हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखेंगे। अगर इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, क्योंकि सेम चीजें यहां पर भी अप्लाई होंगे, कोई डिफरेंट नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, कंप्यूट द फॉलोइंग। फ्रेंड्स ये जो है क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट कीजिए, तो चलिए कंप्यूट करते हैं। फ्रेंड्स आपको पता है कि ये पॉजिटिव है, आपको पता है जब हम ऐड करते हैं किन्हीं दो मैट्रिसेस को तो हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स ये कि ये इन दोनों का इमेज सेम हो, मतलब ये नहीं कि इसमें जो एलिमेंट्स हो इसमें भी। कहने का मतलब है कि ये 2x2 का है तो ये भी 2x2 का होना चाहिए, 3x3 का है तो ये भी 3x3 का होना चाहिए, और m/n का है तो ये भी m/n का होना चाहिए। ये फ्रेंड्स रूल है, तभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे। तो हमारा अब बताइए इन दोनों एलिमेंट्स में ए का ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा है? ये ए है, तो चलिए ऐड करते हैं। ए ए का ए है तो ए प्लस ए हो जाएगा। अब बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बी है तो बी प्लस बी हो जाएगा, और माइनस बी का बी है तो माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, और ए का ए है तो ए प्लस ए हो जाएगा। अब जब इसे कंप्यूट करेंगे तो ये a प्लस ए 2a हो जाएगा, और b प्लस बी 2b हो जाएगा, और b माइनस b प्लस बी 0 हो जाएगा, और a प्लस ए 2a हो जाएगा। यही मेरा फ्रेंड्स आंसर, कंप्यूट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब आपको पता है कि 2x2 का मैट्रिक्स है। हम फ्रेंड्स जितने बार जितने का मैट्रिक्स आपस में जोड़ेंगे उतने बाई उतने का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। देखिए 2x2 का है तो हमारा आंसर 2x2 का प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा ये भी कह रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग। अब इसे देखिए पॉजिटिव है, इसे भी हम सेम उसी तरीके से जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ते हैं क्या हो जाता है। देखिए इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा है, 2ab, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले में है तो ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि बीच में यहाँ पॉजिटिव है। अब यह क्या हो जाएगा प्लस 2ab। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे, क्योंकि ये देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है प्लस 2b है, 2bc, तो हमारा यहाँ प्लस 2bc आ गया। अब इसे भी जब ऐड करेंगे यहाँ माइनस 2ac है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ देखिए माइनस 2ab है तो ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, एक फार्मूला हुआ करता है जो आप 9th और 10th में पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ लिख लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये माइनस है फ्रेंड्स तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये ए प्लस बी है यहाँ माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही मेरा फ्रेंड्स देख लीजिए 2x2 का मैट्रिक्स है। आपको पता है कि जब 2x2 का मैट्रिक्स आपस में जुड़ेगा तो आंसर भी 2x2 का ही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स कंप्यूट करने के लिए कह रहा है, नेक्स्ट है 3x3 का मैट्रिक्स। अब आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं, अदर एलिमेंट्स नहीं जुड़ते हैं। तो माइनस वन का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा है, 12 है, तो क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस 12 हो जाएगा। अब 4 का कौन सा है फ्रेंड्स, 7 है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 7। इसी तरीके से हम फ्रेंड्स ऐड कर लेंगे टोटल, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा ये 11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन प्लस 12 है तो 11 हो जाएगा। अब 4 प्लस 7 ये भी 11 हो जाएगा, और माइनस 6 प्लस 6 0। ऐसे जब टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा 3x3 का फ्रेंड्स मैट्रिक्स प्राप्त होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर भी 3x3 का आपको पहले से ही बता दिया गया कि जितने बाय जितने का मैट्रिक्स रहेगा उतने बाय उतने का ही मैट्रिक्स प्राप्त होगा। देखिए ये 3x3 का है तो हमारा आंसर भी 3x3 का है। फ्रेंड्स सेम चीजें सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं, तो हम टोटल नहीं कैलकुलेट करके बता रहे हैं, तो आप ये कर लेंगे कैलकुलेट, कैलकुलेट करके ये लिख लेंगे तो हमारा ये यही आंसर होगा फ्रेंड्स, यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट में देखिए फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन में सेम चीजें लागू हो रहे हैं। ये cos स्क्वायर x है, यहाँ sin स्क्वायर x, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x। अभी sin स्क्वायर x प्लस cos, यहाँ cos स्क्वायर x है तो भी ऐड हो जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा। देखिए सेम ही है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x सेम, देखिए चारों हमारा 4 जो एलिमेंट्स है टोटल सेम है। फ्रेंड्स अब आपको पता है 9th में पढ़े हैं
कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता है, नहीं होता है, इसका हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन होता है। ये कैसे प्रूफ होता है फ्रेंड्स, ये भी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो जाकर देख लेगा। नहीं जानते हो, जानते हो तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ वन 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 लिख लेंगे, यही हमारा फ्रेंड्स वैल्यू हो जाएगा। अब क्वेश्चन थ्री हमारा क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, ये भी कह रहा है कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट, ये भी सेम ही कह रहा है फ्रेंड्स कि कंप्यूट कीजिए। कंप्यूट करने फ्रेंड्स टू एलिमेंट्स को आपको पता है जब मल्टीप्लीकेशन में होता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे कंप्यूट करते हैं आपको पता होगा। तो चलिए फ्रेंड्स दोनों हम मैट्रिसेस को कंप्यूट करते हैं। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि जब आपस में दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या रूल होता है, रूल फ्रेंड्स आर सी आर होता है। आर मतलब रो, सी मतलब कॉलम और आर मतलब रो। ये फ्रेंड्स हमारा रो है, देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो वर्टिकल है कॉलम है। तो चलिए मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स पहला ये जो रो है कॉलम में होगा, इस कॉलम में तो क्या हो जाएगा, पहले ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जब कॉलम में होगा ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए हो जाएगा। ये सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तब होगा फ्रेंड्स। अब हमारा सेकेंड यहाँ रो कौन सा है, माइनस बी और ए है। जब ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम में हो जाएगा मल्टीप्लाई तो क्या होगा, माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी और माइनस बी प्लस ए इंटू ए। अब जब इसे हम कंप्यूट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए इंटू ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए ए इंटू माइनस बी है तो ये माइनस ए भी हो जाएगा। अब यहाँ जब इसे कंप्यूट करेंगे तो प्लस ए भी हो जाएगा। ये देखिए आपस में सेम है फ्रेंड्स, तो माइनस और प्लस में कट जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी यही सेम है, ये भी कट के आपस में जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है फ्रेंड्स तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, तो हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है फ्रेंड्स, जब आपको पहले ही बता दिया गया है, जब मैट्रिसेस टू बाई टू का होता है तो आपस में मल्टीप्लाई होकर टू बाई टू का ही मैट्रिसेस प्राप्त होता है, थ्री बाई थ्री का होता है तो थ्री बाई थ्री का ही प्राप्त होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कंप्यूट करने के लिए कह रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए एक वर्टिकल दिया गया है मैट्रिसेस और एक हॉरिजॉन्टल, ये आपको पता है ये कितने का है, ये फ्रेंड्स थ्री बाई वन का है, क्योंकि पता है पहले रो होता है तब कॉलम होता है और ये वन बाई थ्री का है। तो चलिए आपस में मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, ये देखिए फ्रेंड्स रो नंबर फर्स्ट है और ये कॉलम। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन इंटू टू, वन इंटू थ्री, वन इंटू फोर। कैसे फ्रेंड्स, देखिए ये वन है, ये इसमें पहले कॉलम में होगा टू, फिर दूसरे कॉलम थ्री में होगा, अब थर्ड कॉलम फोर्थ में होगा, तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई करके हम फ्रेंड्स क्या प्राप्त कर लेंगे, मैट्रिक्स देखिए थ्री बाई थ्री का प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें कॉलम थ्री है, रो वन है, और इसमें रो थ्री है और कॉलम थ्री है, तो हमारा थ्री बाई थ्री का ही मैट्रिसेस प्राप्त होता है, टू थ्री फोर, फोर सिक्स एट, सिक्स नाइन ट्वेल्व, ये हमारा थ्री बाई थ्री का मैट्रिसेस है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट थर्ड ये कह रहा है कि ये देखिए टू बाई टू का है और ये टू बाई थ्री का है। अब इसे जब कंप्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए चलिए देखते हैं कंप्यूट करते हैं। फिर देखिए रो है और ये हमारा कॉलम है, क्योंकि आपको पता है आर सी आर फार्मूला होता है, तो इस तरह से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इंटू वन प्लस माइनस टू इंटू टू हो जाएगा, ये पहले रो का हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा टू थ्री है तो क्या हो जाएगा, वन इंटू टू प्लस माइनस टू इंटू थ्री हो जाएगा। अब ये देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा यहाँ जो फ्रेंड्स ये थर्ड वाला भी कॉलम है, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो वन इंटू थ्री प्लस माइनस टू इंटू वन हो जाएगा। अब बचा हमारा सेकेंड रो, सेकेंड रो का जब हम कराएंगे ये थ्री कॉलम में तो क्या हो जाएगा, टू इंटू वन प्लस थ्री इंटू टू, टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू टू, टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू वन, ये हमारा मैट्रिसेस प्राप्त होगा। अब इसे जब हम आपस में कंप्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस थ्री, कैसे, क्योंकि यहाँ वन माइनस फोर हो जाएगा, ये टू का टू में मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो माइनस फोर हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा माइनस थ्री और यहाँ माइनस फोर और यहाँ वन, ये एट
ये 13, ये 9, यही फ्रेंड्स हमारा 2/3 का मैट्रिसेस है, प्राप्त होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब हमारा फोर्थ क्या है फ्रेंड्स, फोर्थ देखिए, ये फोर्थ फ्रेंड्स 3/3 का आपस में मल्टीप्लाई फ्रेंड्स सेम इसी तरह से होगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आंसर लिख दिया गया है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। और ये फिफ्थ है, फिफ्थ भी फ्रेंड्स सेम ही तरह से होगा, एकदम सेम, कोई चेंजेस नहीं है। और सिक्स भी सेम से होगा फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन लगा है कि नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।